father. 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 मेरे बच्चे को बचाइए. Father. मेरा बच्चा. Father. मेरा बच्चा. मेरा बच्चा. इसकी माँ उसे मेरे पास छोड़ गई थी. तुम इसे अपने पास अनाथाश्रम में रख लो. God bless you. Thank you, father. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपको हो क्या गया है. मैं जो आपसे चाह रहा हूं वो आप मुझे दे नहीं पा रहे हैं. जो आप चाहते थे वही तो आपको दिया है. कहां दे रहे हैं? क्या चेंजेस किए हैं आपने? मैंने आपको समझाया था कि मेन गेट वेस्ट तरफ खुलना चाहिए ताकि समुद्र की पूरी हवा मिल सके. फ्लोर की दीवारें इतनी ऊंची कर दी है आपने कि सोलर हीटिंग इफेक्टिव नहीं होगा. तो आप है कि बहस बहस की जा रहे हैं. सर, ये बहस नहीं है. हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि ये सारी चेंजेस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुई है. फिर वही बात. बहुत सा खर्चा हो गया और हमने तो आपसे एडवांस भी नहीं मांगा है. इसमें मेरा कसूर नहीं है. तो सारा कसूर हमारा ही है. तुषार, देखिए, इस बहस का कोई फायदा नहीं है. आप हमें सिर्फ एक चांस दीजिए. इस बार हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे. मौका? बल्कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फिर से जाके आर्किटेक्ट ट्रेनिंग कीजिए ताकि किसी और का वक्त बर्बाद ना हो. समझे? इतनी सारी मेहनत सब पानी में. तुषार, मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में कुछ लोगों को कन्विंस करना ना बहुत मुश्किल है. वेरी डिफिकल्ट. डिफिकल्टी अब शुरू होंगी जब ये सब बिलों को भरना पड़ेगा. पता नहीं क्या करने वाले हैं. लीजिए, आ गए. कौन? वसूली करने वाले भाई. अखबार वाला, दूध वाला, पाव वाला. नमस्कार. नमस्कार. आप तुषार वर्मा जी हैं? जी हाँ. मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है. जी आइए. थैंक यू. आइए. ये है मेरी एसोसिएट भावना. नमस्कार. बैठिए. मेरा नाम है रघुवीर सिंह यादव. यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक स्टेट है. उस स्टेट का मैं दीवान हूँ. हमारे स्टेट के मालिक है राजा विजय सिंह जी. वो अपनी पुरानी हवेली को रिपेयर करके उसे मॉडर्नाइज करना चाहते हैं. क्या ऐसे काम में आप इंटरेस्टेड होंगे? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं. वैसे इस तरह के कामों में हमने बहुत स्पेशलाइजेशन की हुई है. तुषार भाई, राम राम. राम राम सेठ जी. आप बैठेंगे? अरे बैठने का खतरना आया भाई. मेरा पीछा दे दे किराया. किराया सेठ जी. सेठ जी, आपका किराया मिल जाएगा सेठ जी. लेकिन इस वक्त जरा क्लाइंट बैठे सेठ जी. अरे मैं जानू यार तेरा क्लाइंट बैठा. भाई पीछे दे दे वरना देखना अदालत में दावा ठोक दूंगा. ये दुकान और ये मकान दोनों ले लूंगा. सेठ जी, मगर आपकी नौबत नहीं आएगी. चौधरी साहब, 6 महीने हो गए आंटते मैंने. 6 महीने का किराया बना 18,000 रुपया. 18,000 रुपया? हाँ. गिन लो ये पूरे 50,000 रुपए. इसमें से तुम्हारे बाकी किराए के 18,000 रुपए काट लो और आगे के किराए के पैसे एडवांस में जमा कर लो. पर आप हैं कौन जी? मैं इनका हितचिंतक हूं. समझ गया जी. तुम्हारा काम हो गया? हो गया जी. राम राम जी. राम राम. चालू. और सुनो,
आइंदा ऐसे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे किराए के पैसे एडवांस में तुम्हारे घर में पहुंचा दिए जाएंगे। जो पहुंचा दिए जाएंगे तो क्यों आने की जरूरत है जी? मैं आऊंगा ही नहीं जी। दीवान साहब, हम पर इतना बड़ा एहसान? अपनों में कैसा एहसान? यानी अब आप दोनों राजा साहब का काम कर रहे हैं तो आप अपने ही होंगे ना। वैसे हवेली के काम के लिए 10 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। 10 लाख? जी, आपकी फीस। वैसे कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन का जो भी खर्चा होगा वो अलग ही होगा। खैर, आपके फीस की पहली किश्त 1 लाख। 1 लाख? और कुछ? दीवान साहब, राजा साहब ने हमें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और वो भी बिना हमारे बारे में जाने हुए। हमारे राजा साहब बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाते। उन्हें आपके काबिलियत पे पूरा यकीन है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप हमें बताइए कि हमें करना क्या होगा। आपको हमारे शाहपुर स्टेट में आकर 2-4 दिन रहना होगा और रह के हमारे हवेली का मुआयना करना है और फिर वापस आके काम शुरू कर देना। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों भावना? बिल्कुल ठीक। तो फिर कल का प्रोग्राम बना है? जी जरूर। मैं आपको मेरे एयरकंडीशन गाड़ी में कल ले जा सकता हूँ, क्या ये मंजूर है? जी बिल्कुल जी। ओके। इवान जी, राजा साहब को हमारे बारे में सब कुछ पता है लेकिन हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं है। जान जाएंगे, बहुत जल्द जान जाएंगे। अच्छा दीवान साहब, उस हवेली में कौन कौन रहता है? मैं और राजा साहब। अरे हवेली में सिर्फ आप दोनों रहते हैं, उनके उनके कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं। उनकी कोई औलाद? राजा साहब की शादी नहीं हुई। मतलब इतने बड़े स्टेट का कोई वारिस ही नहीं है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन राजा साहब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बड़ी हवेली भावना, भावना मैं तो सोच रहा था छोटी सी हवेली होगी, भाई ये दिस इज ह्यूज। ए क्या सोच रही हो? बताइए तुषार, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं? अरे भाई कुछ नहीं होने वाला है। देखो भावना, तुम अपने भावनाओं पर जरा सा काबू रखो भाई और इतनी लाजवाब खूबसूरती का लुत्फ उठाओ। चलिए मैं आपका सामान लेके आता हूँ, आप अंदर चलिए। दीवान साहब आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं भाई, अंदर से कोई नौकर चाकर को बुला दीजिए। मैंने कहा ना, मेरे और राजा साहब के अलावा यहाँ तीसरा कोई नहीं रहता। अच्छा जी, शुक्रिया। हे, अब क्या हो गया? यही की ये हो गया वो हो गया। देखो भावना, कम सोचो और ये सब सोचना इमरजेंसी के लिए छोड़ दो। पता नहीं तुम इतना सोचती क्यों हो। वो इसलिए कि तुम बिना सोचे समझे कहीं भी कूद पड़ते हो। मगर इसी का तो नाम एडवेंचर है। अब चलें। क्या बात है,
तो ये है हवेली। वाह वाह भावना, भावना मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अचानक हमारे हाथ इतना बड़ा काम मिल जाएगा। देखना ये मौका मैं हाथ से बिल्कुल नहीं निकलने दूंगा। हिंदुस्तान के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स में हमारा नाम मशहूर हो जाएगा। भावना भावना इस प्रोजेक्ट से इतने पैसे कमाएंगे कि इससे भी आलिशान कोठी तुम्हारे लिए खड़ी कर दूंगा। तुषार तुम फिर शुरू हो गए ख्याली पुलाव पकाना। पहले राजा साहब से जान तो लो कि उनको करवाना क्या है हवेली में। भाई मगर अजीब सी बात है, राजा साहब ने हमें बुला दिया मगर वो कहीं नहीं दिख रहे। बस आते ही होंगे, शिकार पर गए हैं। पर वो लेट तो नहीं होंगे ना? जी नहीं, वक्त की पाबंदी उनकी खासियत है। तुषार आजकल ज्यादा ही गर्मी हो रही है, मैं जरा मुंह हाथ धोना चाहूंगी। जरूर, टॉयलेट उस तरफ है। दीवान जी, जी राजा साहब की भी दाद देनी पड़ेगी भाई, काफी शौकीन इंसान लगते हैं। आप देखिए ना, इस हवेली को तो बिल्कुल म्यूजियम बना रखा है। सारी चीजें होने के बावजूद दीवान जी सिर्फ एक चीज की कमी महसूस हो रही है और वो है प्रॉपर मेंटेनेंस। बस अब आप आ गए हैं तो पूरी कर दीजिए यहाँ की कमियां। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए चाय? जी शुक्रिया दीवान जी। भावना आ जाए और फिर राजा साहब भी आते ही होंगे, सब साथ में पी लेंगे। जैसे आपकी इच्छा, तब तक आप चाहे तो घूम फिर के हवेली का मुआयना कर लीजिए। शुक्रिया। भावना, क्या हुआ? राजा साहब आ गए। नमस्ते राजा साहब। मैं तुम तुषार और यह भावना, दोनों फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स। बहुत लाइक, बहुत काबिल, बहुत होनहार, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। लेकिन वो मौका हम तुम्हें देंगे, अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। पर बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। राजा साहब मैं वादा करता हूं, वी वोंट लेट यू डाउन। अगर अगर आप कहते राजा साहब तो इस हवेली का एक शानदार होटल बन सकता है, या फिर एक रेस्टोरेंट भी बन सकता है, या फिर एक हेल्थ क्लब। हाँ, इस हवेली को गिराकर कोई इमारत बनाने के लिए हमने नहीं बुलवाया तुम्हें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस हवेली की शान और शौकत बनी रहे और सदियों तक इसकी खूबसूरती पर कोई आंच ना आने पाए। जी बिल्कुल। इसे इतना संवार दो, इतना निखार दो, ठीक इनकी खूबसूरती की तरह। जी राजा साहब। दीवान जी। हाँ राजा साहब। हमारी चाय। हाँ राजा साहब।
ये हमारी चाय नहीं है। बाकी बातें डिनर के समय। खाने पीने के मामले में इतनी झिझक अच्छी नहीं, और आप लोग तो कुछ हद से ज्यादा शर्मा रहे हैं। खाइए ना, ये सब कुछ आपके लिए तो है, प्लीज। एक बात बताइए राजा साहब, बंबई शहर में इतने मशहूर आर्किटेक्ट से फिर आपने हमें क्यों चूज किया? तुम्हारी उम्र में इतना उतावलापन स्वाभाविक है, लेकिन छोड़ो ना अब इन बातों को, खाने का मजा लो, एंजॉय योर फूड। जी दीवान साहब, तुषार वेजिटेरियन है। ये वो नहीं खाते जो हम खाते हैं। इन्हें नवरत्न कोरमा खिलाइए। राजा साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारे बारे में, मेरा मतलब है आपको ये सब कैसे मालूम है? ये पूछो कि तुम्हारे बारे में मुझे क्या नहीं मालूम है। क्या क्या मालूम है आपको हमारे बारे में? के वक्त कोई मक्खी मच्छी मेरे सामने आए तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और ये हमें महाराज शेर सिंह ने दिया था। इस हवेली की एक एक चीज बहुत नायाब, बहुत कीमती है। हमारे पुरखों ने इसे बड़े बड़े जतन से संभाला था, और अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हमें उस सुनहरे दौर को किसी भी कीमत पर बरकरार रखना है, किसी भी कीमत पर। क्या दौर था वो, क्या जमाना था। अब कहां वो जमाना, कहां वो रौनकें, कहां गई वो हसीन शामें। शाम पर याद आया, रात काफी हो चुकी है ना, तुम दोनों को आराम करना चाहिए। तुषार, वो तुम्हारा कमरा, और भावना वो तुम्हारा कमरा। हम जानते हैं तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं सो सकते। दीवान जी, जी तुषार को इनका कमरा बताइए। आइए। गुड नाइट। गुड नाइट।
and sweet dreams. आई मैं आपका कमरा दिखा देता हूं. नहीं आइए. Thank you.